उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी का भय दिखाकर मुस्लिमों से बीएसपी को वोट देने की अपील की है ताकि समुदाय के वोट बेकार न जाएं। बुलंदशहर में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि सपा का वोट अखिलेश और शिवपाल खेमे में बटेगा, इससे उनके उम्मीदवार हारेंगे और अगर अल्पसंख्यक उनके साथ गए तो उनका वोट बेकार जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। मायावती ने कहा कि यूपी में बीएसपी के काम को सपा ने अपना नाम दिया है। सपा में इस समय घमासान मचा हुआ है। पुत्र मोह में मुलायम ने शिवपाल का साथ छोड़ दिया है। अब चुनाव में शिवपाल खेमे के लोग अखिलेश के खेमे के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने के लिए काम करेंगे, ऐसे में इनका वोट भी बटेगा। मायावती ने कहा कि इन हालात में अगर अल्पसंख्यक सपा को वोट देते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि वो जीत कर राज्य की सत्ता में आ जाएगी। इसलिए अल्पसंख्यकों को कहीं और वोट न देते हुए बीएसपी को ही वोट देना चाहिए, जो बीजेपी को हराने के लिए तत्पर है, और बीएसपी का वोट इधर उधर भी नहीं बटेगा। अगर अल्पसंख्यक भी इसे वोट देते हैं तो बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आ पाएगी। मायावती ने कहा कि वैसे भी बीजेपी की केंद्र की सरकार ने जो चुनावी वायदे किए थे वो उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। ब्लैक मनी के नाम पर नोटबंदी की गई, जिससे 90% गरीब मजदूर और किसान प्रभावित हुए, करोड़ों बेरोजगार हुए। ये बात भी चर्चा में है कि बीजेपी ने अपने नेताओं और चहेते कॉरपोरेट का पैसा पहले ही ठिकाने लगा दिया था। बजट में भी ये नहीं बताया कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन इकट्ठा किया गया, ये केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए फैसला लिया गया है। तो यूपी के चुनावी दंगल में मायावती ने मुस्लिमों को रिझाने का दाव खेला है और उन्हें भाजपा का भय दिखाया है। अब देखना होगा कि उनकी इस अपील का मुस्लिम मतदाताओं पर कितना असर होता है। देखते रहिए डीबी लाइव।